बीजेपी से अलग हुई है उसका कोई असर यहाँ पे दिखेगा? कोई असर नहीं है भाई, नहीं। नहीं आज आरएलडी बीजेपी के साथ है, कोई असर नहीं। बीजेपी जीतेगी, संजीव वाले 1,00,000 वोटों से जीतेंगे जब दोनों साथ। देखिए ये राजनीतिक मुद्दा है, एक और 1,11 हो लेकिन 111 हुई है जी, लोकदल से जुड़ गए हम। संजीव बालियान भारी मतों से जीतता जी। भाई साहब मैं बताऊं, भाई साहब ने परिवर्तन की बात करी थी, इन्हें एक बार दिया गया था अखिलेश के चुनाव में, ठीक है 400 के करीब वोट आई थी इनकी सीटें, ठीक है। उस समय में अपने युवा होने के नाते कुछ नहीं कर पाए, तो पब्लिक ने जनसमर्थन मोदी को दिया, उन्होंने कुछ करा तभी दोबारा सरकार बनी। अभी भी अगर कुछ कराओगा तो सरकार उनकी बनेगी, नहीं तो फिर कोई भी बन सकता। तो किया है या नहीं किया है? वोटर तो आप किया है भाई साहब, किया है, जबी तो हम कह रहे हैं। चौधरी साहब ही कह रहे हैं, और बीजेपी की और कोई नहीं कहने का हो तो सब अपनी जगह सही वोट करेंगे। जैन चौधरी का साथ आना कारगर है या? खुद भी तो वोट कह रहे हैं बीजेपी की, लेकिन और कोई नहीं कहने हो तो अपनी मर्जी से कह रहे हैं। समाजवादी को जैन जी के जाने से कोई नुकसान नहीं है। और आपको एक बात बताऊं भैया, अगर इस सीट की बात करूं, मेरा व्यक्तिगत जो है यहाँ जो लोगों का मतभेद है वो पार्टी से कम, प्रत्याशी से ज्यादा है। आप समाजवादी के प्रत्याशी को देख लीजिए, 46 साल की। एक चीज और था, अमूमन हमने ये देखा है कि लोग लोग कैंडिडेट को कम पिछले दो इलेक्शंस में देखे, 14 में मोदी को देखते थे, वैसे ही 19 में हुआ मोदी को देख रहे थे, क्या वही स्थिति है इस बार भी? स्थिति जो है लोगों ने खराब की हुई है, बिरादरीवाद का चुनाव बना दिया है, जबकि राष्ट्रवाद का चुनाव होना चाहिए, बिरादरीवाद का नहीं। वो कैंडिडेट देखना चाहिए, कौन कैंडिडेट कितना सक्षम है, कितना पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा कैंडिडेट बहुत जरूरी है, आपकी बात को समझ सकता है, रख सकता है। क्या संजीव बालियान जितने पढ़े लिखे कोई एमपी हैं? अगर पूरी संसद में भी हो तो बता दीजिए क्या वो। अब आप लोगों से एक चीज, ये मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, ठीक है 33% आरक्षण, मानते हैं कि सही फैसला है या गलत? फैसला नहीं है, कहाँ ये 33% आरक्षण दिया, कितने टिकट दिए महिलाओं को? और फिर मैं मौजूद हूँ, मैं सच बोली हूँ, एक जिला 10 के आगे उसे सपोर्ट करा संजीव बालियान ने, मंत्री ने, और मेरे को कार्यालय के अंदर बाहर की महिला बुलाकर बैठाकर पिटवाने का एग्जाम, ये आरक्षण है? महिलाएं तो खुद आजादी की बात कर रही है, 33% ये आरक्षण जो दिया है लग रहा है कि सही है? ये सिर्फ बोलने में हुआ है, 33% में वोट कितने आए? दूसरी नहीं, 33% बोलने में नहीं, 33% ये संसद से पास हो चुका है, पास हो चुका है, चला कहाँ है, कितने दो टिकट दिए? दूसरी बात, कितनी नौकरियां दी, कितना रोजगार दे दिया? रसोई इतनी महंगी कर दी, रोटी जो खाते ना तुम लोग, अभी आपको पता नहीं होगा वो महिला किस तरह बना रही है, 1400 का सिलेंडर लेके बैठी है जो 400 का लेती थी, कहाँ से करे? कहाँ है 33% महिलाओं को पिटवा दिया, सड़क पे रोन दिया गया, कहाँ थी सरकार उस समय जब वहाँ पे जो है ना वो पहलवान पिट रहे थे, जब कहाँ थी सरकार जब मणिपुर में? अच्छा पहलवान वाला मामला एक हाँ मैं बिल्कुल आप ही के पास, पहलवान वाला मामला पता है कि वो मामला था क्या? वो कुछ भी था उनका आरोप था मामला पे, नहीं कोई, मैं वहीं पे था, मैं वहीं पे थी, गाजीपुर मैटर पे बैठी हुई थी उस समय पे, वो सड़क पे थी, पुलिस वाले उन्हें पैरों से रौंद रहे थे, कहाँ थी उस समय सरकार? महिलाओं को आरक्षण देना सही है या नहीं? सही है, बिल्कुल 100% सही है। है तो नहीं मिला तो नहीं, कितनी सीटों से मिला ये बताइए आप मुझे, आप वो बताएं, सिर्फ वोट मांगने का काम है ताकि महिलाएं जो हैं भ्रमित हो जाएं। और ऐसा नहीं होगा, भारत सरकार में महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी हैं, वो जानती है अपने। क्या महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है सही है या नहीं? राम मंदिर का क्या असर यहाँ दिख रहा है इस बार? नहीं यहाँ नहीं दिख रहा सर, महिलाओं का आरक्षण दिया है वो लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म में उनको मिल जाए, आगे क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी, ये भविष्य के गर्भ में बातें हैं, दिया है अच्छा दिया। धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्या इस बार लग रहा है यहाँ? नरेंद्र मोदी जी के विकास और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सुशासन के नाम पर हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस साथ आई है, 2017 में भी आप लोग साथ थे लेकिन काम नहीं कर पाए थे, इस बार काम कर पाए? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और यहाँ पर जो वोट पड़ेगी वो किसानों के मुद्दे पर पड़ेगी, और आवारा पशु जो लोगों की जान ले रहे हैं, जो किसानों की फसलों को खा रहे हैं, उस पर वोट पड़ेगी। गांव का आदमी, गांव देहात का आदमी आवारा पशुओं से परेशान है, किसानों को फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, उस पर वोट डलेगी, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतेगा। क्या लग रहा है बसपा के लिए इस बार, क्या लग रहा है? क्योंकि पार्टी में कितने युवाओं को नौकरी मिली,
या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी क्या ये बछड़े अपने घर से ला के छोड़ रही ये चीज आपसे समझना चाहेंगे, बसपा कहाँ स्टैंड कर रही है इस बार? देखिए आज बसपा अपने आप में मजबूत है, इसीलिए अकेली खड़ी है। जहाँ समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत पड़ी या बीजेपी को लोकदल की जरूरत पड़ी, बहुजन समाज पार्टी अपनी जगह मजबूत खड़ी है और अपनी विचारधारा को लेके गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के लिए आवाज़ लेके आज खड़ी है। और मुझे उम्मीद है जो खास तौर से आज समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों को भ्रमित करने का काम कर रही है, मुसलमानों को सम्मान देने का काम ना कभी समाजवादी में हुआ है ना कभी होगा। समाजवादी ने आपने देखा ST हसन साहब जैसे तक को लोगों का टिकट काट दिया। समाजवादी चाहती है कि मुस्लिम जो है एक वोटर के रहे ना कि एक लीडर। समाजवादी से मुसलमानों को हटना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है जल्द जी, एक बात मैं भी माफ साहब मालूम करना चाहता हूँ। आप जो कहते हैं मुसलमानों को भ्रमित कर दिया समाजवादी ने, बहन जी ने तो मुसलमानों को गद्दार ही बोल दिया कि मुसलमान तो गद्दार है। बहन जी ने कभी गद्दार नहीं बोला। नहीं 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 सलमान भाई, नहीं नहीं आप सच्चाई दिल अपने दिल पे कसम धरके आपने इकरा हसन, देखिए वक्त मुझे इतने की ही इजाजत दे रहा है और यहाँ खुल करके मुजफ्फरनगर के लोगों ने अपनी बात रखी। 19 तारीख को यहाँ मतदान है। न्यूज इंडिया आपसे यही अपील करेगा कि मतदान करने जरूर जाइएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।